हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं, हरा भरा कबाब। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, टू ऑनियंस, एक कैप्सिकम, जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक हरी मिर्ची। दो हरी मिर्ची लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिए, इसका पेस्ट बना लेंगे। कोरिएंडर लीव्स, पालक की प्योरी, पालक मैंने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है और फिर उसे मिक्सर में मैश कर दिया है। टू पोटैटोज, कॉर्नफ्लोर लिया है और टू टीस्पून मैंने सत्तू लिया है। थोड़ा सा हमें हेल्दी वर्जन भी बनाना है तो मैंने यहाँ पर सत्तू लिया है। आप चाहें तो ना लें, ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सत्तू लिया है और कुछ काजू के हाफ किए हुए टुकड़े। हमने एक पैन में ऑयल लिया है और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन और कैप्सिकम डाला है। इसे हमें थोड़ी देर सॉटे करना है, कम से कम 2 मिनट। मीडियम फ्लेम पर हम सॉटे करेंगे। इसमें आप मटर और बीन्स भी डाल सकते हैं, जो कि मैं अवॉइड कर रही हूँ। अवॉइड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव, और अभी मैं बाहर से ला नहीं सकती हूँ, बट यू कैन पुट दैट। अच्छे से हम थोड़ा इसे सिझा लेंगे तो ताकि हमारी टिकिया, जो हमारा हरा भरा कबाब रहेगा, उसमें अच्छे से मैश हो जाएगा। ये हमारा अच्छे से 2 मिनट्स में अच्छे से सिक गया है और इसमें हम पालक की प्योरी डाल देंगे। पालक की प्योरी मैंने इसमें इसलिए डाली है तो जो इसका पानी थोड़ा सा सूख जाएगा तो जो हम कबाब बनाएंगे तो वो अच्छे से बनेगा, सॉफ्ट ना होके अच्छा बनेगा। तो इसका थोड़ा सा पानी हम सुखा देंगे। कैन पुट बीन्स, मटर, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। देखिए थोड़ा सा कंसेंट्रेट होने लगा है, पालक की प्यूरी का पानी सूखने लगा है। हम एक बॉल में जो हमने आलू मैश किया है वो डालेंगे। आलू अच्छे से हमारा मैश होना चाहिए। अभी जो हमने पालक, प्याज, कैप्सिकम की जो प्यूरी बनाई थी इसे हम डाल देंगे। इसमें कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट रखा है, हम इसमें सत्तू डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो डालें, नहीं ना चाहे तो नहीं डालें। थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने सत्तू डाला है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है पर आप कर सकते हैं। अब हम मसाले डालेंगे इसमें, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, रेड चिली थोड़ी कम डालूंगी, अमचूर, चाट मसाला, अपने हाथों को थोड़ा क्लीन कर लें इसकी कबाब बनाने के लिए, बिकॉज ये स्टिकी हो जाता है। और फिर मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। इसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे छोटे छोटे।
इसको मैं शैलो फ्राई करूंगी। ब्रेड क्रम से रैप नहीं कर रही हूँ, मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लोर और सत्तू डाल दिया है और ये हमारा ज़्यादा गीला भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हमारा डो बना है। सी इस तरह से हम कबाब बना लेंगे। लुकिंग नाइस। इस तरह से काजू लगाना है आपको, जो हमने हाफ पीसेस काजू रखे थे, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई कर सकते हैं पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि ज़्यादा ऑयल ना रहे। तवे को अच्छे से गरम करके इस पर ऑयल डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो घी में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई करने में एक साथ इतना सारा हो जाता है। फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं, तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकना है। हमारा सिकने लग गया है।